Okay friends, now we begin with the question number 44 of CEF and SFM Forex Practice Manual. Zest Place, a UK company, is in the process of negotiating an order amounting €2.8 million with a large German retailer on 6 months' credit. If successful, this will be first time for Zest has exported goods into the highly competitive German market. Matlab Zest, UK ka jo banda hai, usne export kiye goods German market. The ZAS is considering following three alternatives for managing the transition risk before the order is finalized. Mr. Peter, the marketing head, has suggested that in order to remove the transition risk completely, ZAS should invoice the German firm in sterling using the current euro by pound average spot rate to calculate the invoice amount. मतलब इसमें क्या कह रहा है कि पीटर जो है मार्केटिंग हेड वो कह रहा है कि ZAS को इनवॉइस करना चाहिए जर्मन फर्म को स्टर्लिंग में यूजिंग द यूरो बाय एवरेज स्पॉट रेट. एवरेज स्पॉट रेट क्या होता है फ्रेंड्स? बिड प्लस आस्क का एवरेज. सिंपल सा कांसेप्ट, ठीक है? फर्स्ट में ऐसा होगा. सेकंड क्या है? मिस्टर विल्सन सी इज डाउटफुल अबाउट मिस्टर पीटर्स प्रपोजल एंड सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग द जर्मन फर्म इन यूरो एंड यूजिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू हैज द ट्रांजेक्शन रिस्क. मतलब इसमें क्या, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे सिंपल सा, जो फॉरवर्ड में रेट होगा उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद थर्ड है, मिसेस करन CFO is agreed with the proposal of Mr. Wilson to invoice the German first in Euro, but she is of opinion that Jazz should use sufficient 6 months sterling further contracts to the nearest whole number to have the transition. ये further नहीं, future contracts. ठीक है friends? चलो, अब क्या-क्या दे रखा है वो देख लेते हैं. Following data is available. Spot rate दे रखा है. अब जो first part है, first part इसमें क्या बोला? Question number 44. स्पॉट रेट कितना है? बिड और आस्क दोनों का स्पॉट रेट किसका दिया हुआ है यहाँ पर? ये मुझे दिया हुआ है यूरो बाय पाउंड. स्पॉट रेट है मेरा 1.1960, बिड रेट है और 1.1970 आस्क रेट है. तो पहला जो मिस्टर पीटर है उसने क्या सजेस्ट किया है फ्रेंड्स कि जो भी रिसीप्ट्स है मतलब यूरो 2.8 मिलियन तो वो किसमें करे, वो किसमें मतलब ना रिसीप्ट्स इनवॉइस करे, वो इनवॉइस होगी एवरेज रेट पे. तो एवरेज स्पॉट रेट मतलब सर क्या हुआ, स्पॉट रेट ने दिया हुआ एवरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? एवरेज रेट स्पॉट बिड और आस्क का मैं एवरेज कर दूंगा 1.1960 प्लस 1.1970 डिवाइडेड बाय 2, सो आई विल गेट 1.1965. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा था 1.1965 आएगा मेरा, 1.1965. ठीक है. अब कैसा है फ्रेंड्स कि रिसीप्स कितनी थी? यूरो 2.8 मिलियन रिसीप्स थी मेरी, यूरो 2.8 मिलियन. ठीक है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 1.1965, ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? अब देखो फ्रेंड्स, आप बोलोगे इसने डिवाइड क्यों किया? सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको हमेशा बताया कि यूरो मेरे को गिवन है यूरो 2.8 मिलियन, लेकिन मेरी बेस करेंसी क्या है? पाउंड है. ठीक है, तो क्या होगा? डिवाइड. ठीक है, तो जब मैं 2.8 मिलियन को 1.965 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 2.8 1.1965, सो मुझे मिलेगा 2.340158 मिलियन, मतलब कितना? पाउंड. तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें डायरेक्टली कर दिया, कितना ही लिया है, पाउंड कितना हो जाएगा? 2.340. ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गया. सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं इसमें. क्या था, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो एवरेज स्पॉट रेट ना उस हिसाब से मेरे को रिसीप्ट इन्वॉइस करनी है. तो कैसे निकाला मैंने, पहले देख लिया मैंने यूरो बाय पाउंड का रेट, 1.1960 बिट रेट और यास रेट, इसका मैंने एवरेज कर दिया. रिसीप मुझे यूरो में गिवन थी, ठीक है, और ये रेट भी यूरो का था, ठीक है, रेट भी यूरो में गिवन है, तो उससे मैंने निकाल दिया कि पाउंड में, और डिवाइड क्यों किया मैंने, बिकॉज मेरे को रिसीप जो है यूरो में और मेरी बेस करेंसी है पाउंड, तो सिंपली मेरा आ गया 2.340 मिलियन. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट.
सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है फ्रेंड्स, स्पॉट रेट गिवन है और 6 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सिंपल, स्पॉट में मेरा था 1.1965 और इसमें था सॉरी 1.1960 और 1.1970, ठीक है, सिंपल सा। मेरे जो स्वैप पॉइंट्स है जो फॉरवर्ड प्रीमियम वो मेरे को कैसे देखें, 0.60 और 0.55। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो 0.60 से 0.55 या बिट से आस में हमेशा लेस होता है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 1.1900 और 1.1915, ये मेरा बिट रेट, ये मेरा आस रेट, सिंपल सा खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें ऐसा है फ्रेंड्स, देखो अब इसमें सोचेंगे कि रेट कौन सा आएगा, सेम का सेम कॉन्सेप्ट होगा कि फॉरवर्ड मार्केट है तो रिसीव्स कितनी 2.8। अब मैं ये बिट रेट लूं कि आस रेट लूं, कौन सा रेट लूं? अब देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन करो, इसमें क्या हो रहा है कि नेगोशिएट कर रही ऑर्डर 2.8 मिलियन, ठीक है। अब यूके कंपनी है नेगोशिएटिंग ऑर्डर 2.8 मिलियन। अब इसमें क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कस्टमर है, कस्टमर को क्या करना है, कस्टमर बस यूरो है, वो यूरो सेल करेगा, कस्टमर के पास है क्या है, यूरो है, तो वो यूरो सेल करेगा। क्यों यूरो है, उसने एक्सपोर्ट की है गुड्स का जर्मन मार्केट में, तो वहां से उसको यूरो आएंगे, ठीक है, तो उसको तो यूरो नहीं क्योंकि वो तो कस्टमर है, वो तो कहां का है, वो यूके का है, तो उसको पाउंड की जरूरत होगी, तो वो यूरो सेल करेगा और पाउंड बाय करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कस्टमर पाउंड बाय करेगा और यूरो सेल करेगा, अगर कस्टमर पाउंड बाय कर रहा है तो बैंक पाउंड सेल करेगा, तो बैंक जब भी पाउंड सेल करेगा, बेस करेंसी पाउंड है इसमें, तो मैं पाउंड के हिसाब से और बैंक के हिसाब से सोचूं तो जब बैंक पाउंड सेल करेगा तो वो हमेशा महंगे वाले रेट पे करेगा, वो है 1.1915, और कस्टमर भी जब पाउंड बाय करेगा तो भी वो महंगे रेट से करेगा 1.1915, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो मेरा जो कैश अमाउंट आएगा वो आएगा 1.195 डिवाइड करने से, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 1.1915, सो आई विल गेट 2.349। इसमें कितना ओके, इन्होंने 2.349 को 2.35 ले लिया, तो 2.35 मिलियन पाउंड, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा था ये दोनों कंडीशन, बहुत इजी। अब वन थर्ड कंडीशन लाते हैं जो फ्यूचर्स, देखो फ्रेंड्स अब जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है पढ़ लेते हैं कि मिसेस CFO is agreed with the proposal of Mr. Wilson to invoice the German first in euro, but she is of opinion that Zach should use sufficient 6 months sterling further की जगह वो future contracts कर देना, future contracts to the nearest whole number to has the transactions। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी कभी futures का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन number of contracts निकालते हैं कि number of contracts कैसे निकलेंगे, जो भी receipt है या जो भी amount है उसके बाद अपन करेंगे contract size कितना है। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या information क्या है। 6 month further contract is currently trading at euro 1.1943 per pound, मतलब क्या दिया हुआ है कि 1 pound equal to 1.1943 euro के हिसाब से मुझे currently spot है, ठीक है friends, और मुझे contract size क्या दिया है 62500, हाँ 62500 मुझे pound दिया। अब देखो फ्रेंड्स अब इसमें कैसा है, ये मेरे को रेट भी दे रखा है 1 pound का, ये सब ठीक है, और जो मेरी रिसीप्ट्स हैं वो किसमें दे रखी है, यूरो, यूरो कितना था 2.8 मिलियन, ठीक है। चलो अब एक बात समझो कि जब भी मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज भी सेम करेंसी में होना चाहिए और मेरी रिसीप्ट भी सेम करेंसी में होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पाउंड में ही सट्टा खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यूके अकाउंट में यूके में सट्टा खेलूंगा ना, फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रिसीप्ट मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जो करंट स्पॉट रेट चल रहा है फ्यूचर्स का, ठीक है, जो करंट स्पॉट रेट चल रहा है फ्यूचर्स में, तो
तो अभी 2.8 मिलियन, ठीक है, तो जब मैं इसको कैसे लिखूंगा, जब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पाउंड, तो कितनी रिसीप्ट, 2.8, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, 2.8 मिलियन, सो आई विल गेट 2.8 into 10 lakhs, 28 lakh, 2.8 मिलियन था तो 28 lakhs हो गए, ठीक है, तो 28 lakh में डिवाइड करूंगा जो रेट चल रहा है 1.1943, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा 1.1943, 2344 69.56, ठीक है, 2344 1.1943 किया मैंने, तो 2344 69.56 को इन्होंने 70 ले लिया, तो मैं इसको 70 ले लूँगा, राउंड ऑफ कर दिया, 23444 23 4 23 lakh 44,470, ये मुझे किसमें मिला, पाउंड, ठीक है, अब मैंने पाउंड्स निकाल लिया और मेरा कॉन्टैक्ट साइज भी पाउंड्स में, तो अब मैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इजीली निकाल सकता हूँ, तो जब मैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालूंगा तो कितना आएगा, 23444 70 / 62,500, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सो आई विल गेट 37.51, लेकिन मैंने आपको कल ही क्वेश्चन में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा होल नंबर में होंगे, तो ये मैंने 37 कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सेंस, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मेरा 1 pound का मुझे यूरो में रेट गिवन था स्पॉट का, कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरा था यूरो में 62,500, मुझे रिसीप्स आ रही है यूरो में 2.8 मिलियन, ठीक है फ्रेंड्स, अब लेकिन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरा पाउंड में था, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो पाउंड में है, तो मेरी रिसीप्स भी मुझे पाउंड में ही लानी थी, तभी मैं उसका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकता हूँ, बिकॉज सट्टा अगर मैं इंडिया में खेल रहा हूँ तो मुझे इंडिया के रुपीज़ में ही खेलना पड़ेगा, मैं डॉलर में तो नहीं खेल सकता, उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड का गिवन है 62,500, तो मेरे को यूके में ही सट्टा खेलना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, मैंने किया कन्वर्ट पाउंड में, जो फ्यूचर का रेट चल रहा था उस हिसाब से मेरे को ये अमाउंट मिल गया पाउंड में, पाउंड से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया 37 कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा। अब नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, देखो अब नेक्स्ट में ऐसा है कि अब क्या हुआ कि आफ्टर 6 मंथ स्पॉट रेट एंड द फ्यूचर रेट इज 1.1873, अब मतलब मैंने सट्टा खेला, तो मैंने सट्टा कैसे खेला फ्रेंड्स, मैंने क्या सोचा होगा, एक नॉर्मल चीज सोचो, मेरे पास पैसा आने वाला है, कब आने वाला है, 6 महीने बाद, तो मैंने सोचा जब 6 महीने बाद पैसा आएगा मैं फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1.1943 से रेट बढ़ेगा, तो मैं फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो अगर इसका रेट बढ़ेगा तो उतना ही मुझे ज्यादा अमाउंट मिलेगा, मैंने इस सोच से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर्स में, 37 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए कि 1.1943 के हिसाब से कि जितना ही पैसा आएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और जितना ही पैसा मुझे आएगा तो सबसे रेट बढ़ने वाला होगा तो मुझे इतना पैसे का गेन होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब 6 मंथ की रफ कर रहा हूं मैं, 37 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने आए थे, बाकी तो रेट नहीं, ठीक है, तो देखो स्पॉट में तो रेट क्या था 1.1943 यूरो का, लेकिन अब फ्यूचर में रेट जब एक्चुअल में 6 महीने बाद रेट क्या होगा 1.1873, मैंने तो किस हिसाब से सट्टा खेला था कि मैंने फ्यूचर्स खरीदे थे उस अमाउंट के 37 कॉन्ट्रैक्ट्स के और जितना भी कॉन्ट्रैक्ट साइज था कि 1.1943 के हिसाब से मैंने फ्यूचर्स में बाय किया था, मैं क्या सोच रहा था कि फ्यूचर्स में उसका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया रेट घट गया, कितना घटा जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा 0.0070, इतने का मुझे लॉस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इतने का मुझे लॉस हो गया, तो मुझे एक्चुअल लॉस कैसे हुआ, बिकॉज मैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में निकालूंगा ना फ्रेंड्स, तो 62,500 का कॉन्ट्रैक्ट था, 37 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो 0.0070 इतने का मुझे लॉस हो, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 62,500 × 37 × 0.0070 16,000
187.5 आ रहा है अराउंड ऑफ 1.60 यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल से आंसर पूछा जाएगा। मैंने सट्टा खेला तो जब मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया 62.500 मेरा पाउंड में था, कॉन्टैक्ट्स में निकाले थे, लेकिन 0.0708 था वो यूरो में था, तो अब ये मेरा 16,188 यूरो का था मुझे लॉस हो गया, बिकॉज मुझे पैसा आया नहीं। मैंने फ्यूचर्स में पैसा नहीं होता मेरे हाथ में, मैं सिर्फ मेरे मार्जिन के ऊपर सट्टा खेलता हूँ, तो पैसा नहीं है, तो ये एट लास्ट मेरा यूरो में गिनूंगा। मैंने इसको वापस यूरो में ही कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज मेरे को तो रिसीव जो आनी पड़ी यूरो में से इन्वेस्ट करनी पड़ी। सिंपल से कंसेप्ट। ठीक है, अब कैसा हुआ यहाँ पर कि मेरे को कितना आ रहा है 28,00,345। अब मैं उसमें से एस कर दूंगा 16,188, तो 28,00,000 माइनस 16,188 मैंने लेस किया यूरो, तो मेरे को कितना अमाउंट मिला 27,83,812 यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे फ्यूचर्स में तो लॉस हो गया, एक्चुअल लॉस में। अब मेरे को एक तरह से इतने यूरो पे ही जितना रेट चल रहा है उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अब 27,83,812 यूरो मेरे पास इतना आने वाला है। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड में, बिकॉज मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो मेरे को पैसा पाउंड में चाहिए, बिकॉज मेरे पास तीन प्रपोजल थे, उसमें से मुझे एक में देखना है कौन सा मेरे लिए बेस्ट है और चीपेस्ट है। चीपेस्ट क्या मतलब मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसमें नॉर्मल। ठीक है, तो 27,80,812। अब देखो कि स्पॉट में भी रेट इतना हो गया था, क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में कि फ्यूचर स्पॉट का रेट सेम था, तो 1.1873। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब 27,83,812 को जब मैं डिवाइड करूँगा 1.1873 तो मुझे अमाउंट आएगा 2.3446 मिलियन। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ कितना हो गया 2.3446 मिलियन, तो इतना मुझे पाउंड में अमाउंट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब पहली कंडीशन में मेरा अमाउंट आया था 2.3400 मिलियन। पहली कंडीशन कौन सी थी? जो स्पॉट का एवरेज है, बिड और ऑस्क का एवरेज है। सेकेंड कंडीशन थी फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड में आया था 2.35 मिलियन, और जब मैंने फ्यूचर्स में ट्राई किया तो मेरे को आया 2.3446 मिलियन। तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, पैसा कहाँ ज़्यादा आ रहा है? फॉरवर्ड में। तो मैं हमेशा कौन से मिस्टर विल्सन के हिसाब से सोचूंगा कि 2.35 मिलियन मेरा, मैं वो और यूटिलाइज करूँगा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी विल बी यूटिलाइज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आता है, पर अब एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 40।